नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ घर के पश्चिम दिशा के बारे में, यानी वेस्ट डायरेक्शन के बारे में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिशा है। इस दिशा में दोष होने से आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, उससे कैसे बच सकते हैं, ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। ये पश्चिम दिशा जो है, यानी वेस्ट डायरेक्शन, ये मुख्य दिशा है, मैंने यहाँ पर दी है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। अभी पश्चिम दिशा जो है, इसकी देवता है वरुण देवता। वरुण देवता मुख्य देव है, और इसके जो ग्रह है इस दिशा का वो है शनि ग्रह। इस दिशा पे उनका इम्पैक्ट है। तो आप समझ गए होंगे कि अब इस दिशा में जो है, ये सूर्यास्त की दिशा है, इसलिए यहाँ पर पश्चिमाभिमुख होकर बैठने से मन में औषधा पैदा करता है। पश्चिम दिशा जो है, ये भोजन करने के लिए बहुत अच्छी है, यानी कि आपका जो डाइनिंग रूम है जहां पर हम भोजन करते हैं, डाइनिंग रूम आप पश्चिम दिशा में बना सकते हो। इसके लिए ये बहुत अच्छी दिशा है घर के सभी मेंबर एक जगह पर बैठकर भोजन करने के लिए। सीढ़ी या बगीचा ये यहाँ पर आप बना सकते हो। ये यहाँ पर बनाने से सीढ़ियां स्पेशली जो है, यानी स्टेप्स, यहाँ पर मतलब एग्जैक्टली वेस्ट में नहीं, आपके वास्तु प्लान में वास्तु पुरुष ड्रॉ करके देखना पड़ता है कि एग्जैक्ट वेस्ट में वो जगह कहाँ पे आ रही है जहाँ पर आपकी सीढ़ियां वास्तु पुरुष के ऊपर न जाए। तो इस प्रकार से ये ज्यादा जगह हमें वेस्ट में मिलती है कि जहां पर हम सीढ़ियां अगर बनाते हैं तो ये बहुत ही फायदेमंद रहता है। आप यहाँ पर बगीचा भी बना सकते हो। यहाँ पर अगर वास्तु दोष है तो क्या हो सकता है दोस्तों, यानी कि यहाँ की समझो हाइट नीचे है, या ये पूरा ओपन टू स्काई है, या कट हो गया है, कोई भी दोष है इस दिशा में, तो पश्चिम दिशा का प्रतिनिधि जो है वो शनि ग्रह करते हैं। यह स्थान काल पुरुष का पेट गुप्तांग एवं प्रजनन रिलेटेड इश्यूज ये क्रिएट करता है, यानी कि प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं अगर आपके घर के पश्चिम दिशा में दोष है। पश्चिम भाग के चबूतरे अगर नीचे हो तो परिवार में फेफड़े, मुख या छाती और चमड़ी इत्यादि रोगों का सामना किसी न किसी को करना पड़ सकता है। स्किन इन्फेक्शन होगा या फेफड़ों के रिलेटेड कुछ होगा, सांस लेने में तकलीफ होगी। अगर यहाँ पर ग्राउंड लेवल नीचे है तो ये तकलीफ है किसी न किसी को हो सकती है। यदि भवन का पश्चिम भाग नीचे हो तो पुरुष संतान की रोग और बीमारी पर बहुत ज्यादा धन व्यय होता है। अगर ये बहुत नीचे है तो घर का में जो भी पुरुष है, यानी कि बच्चा है या कोई भी जो संतान वहां पर है, छोटा या बड़ा बच्चा कोई भी हो, तो उसके हेल्थ के इश्यूज रिलेटेड बहुत पैसा खर्च हो सकता है। इस प्रकार के इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं अगर मुख्य द्वार आपका पश्चिम दिशा में है, भवन का पश्चिम दिशा की ओर हो, अगर वो प्रॉपर वास्तु पद में ना हो, यानी कि वो साउथ वेस्ट में समझिए आ गया है, या फिर किधर भी प्रॉपर इसके जो वास्तु पद होते हैं, मैंने उसका वीडियो दिया है कि कौन से पद में पश्चिम का वास्तु प्रवेश द्वार होना चाहिए, अगर वो उस प्रकार से नहीं है तो बहुत ज्यादा धन व्यतीत होता है, यानी पैसे की सेविंग्स नहीं होती है अगर यहाँ पर गलत प्रकार से वास्तु प्रवेश द्वार बनाया गया है पश्चिम में। यदि पश्चिम में रसोई घर अथवा अन्य किसी प्रकार से अग्नि का स्थान हो, यानी कि आपने समझिए एग्जैक्टली यहाँ पर आपका किचन आ रहा है, एग्जैक्ट पश्चिम में यहाँ से लेकर यहाँ तक इतने इसमें अगर आपका किचन आ रहा है, वहां पर अग्नि है, तो पारिवारिक सदस्यों में गर्मी, पित्त यानी एसिडिटी, इस प्रकार की शिकायतें उनमें हमेशा रह सकती है। तो ये जो है, ये कुछ इम्पैक्ट है, कुछ बीमारियां हैं जो आपके ऊपर प्रभाव हो सकता है अगर
इसमें दोष है, यानी कि हाइट कम है या यहाँ पर किचन आया है या कोई भी इस प्रकार का दोष पश्चिम दिशा में है, तो आपको सांस लेने में तकलीफ, फेफड़े, ये सब चीजें, ये बीमारियां आपको हो सकती है। धन जो है वो सेविंग्स नहीं होगी, उसमें परेशानियां होगी। अब इससे कैसे बचा जाए? ऐसी स्थिति में पश्चिम दीवार पर आपको वरुण यंत्र स्थापित करना है। वरुण यंत्र, ये यंत्र आपको किसी दुकान में भी मिल सकता है, या फिर आपको यंत्र सिद्ध करके चाहिए तो वो भी मिल सकता है। वरुण यंत्र आपको पश्चिम दीवार पर स्थापित करना है, यानी ये इस दीवार पर लगाना है, पश्चिम यानी के नैऋत्य नहीं या फिर वायव्य नहीं, ये नॉर्थ वेस्ट यानी के वायव्य है, तो वायव्य में भी नहीं चाहिए, नैऋत्य, ये स्पेसिफिक वेस्ट डायरेक्शन में वरुण यंत्र आना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है, सिर्फ वेस्ट नहीं। परिवार का जो मुखिया है न्यूनतम 11 शनिवार लगातार उपवास रखे और गरीबों में काले चने वितरित करे। शनि, क्योंकि यहाँ पर शनि भगवान का प्रभाव है, शनि ग्रह का प्रभाव है, अगर इस प्रकार का वास्तु दोष है तो आप शनिवार का उपवास रख सकते हैं। शनिवार के दिन आप 11 शनिवार हनुमान मंदिर में जाकर जो हनुमान जी के ऊपर सिंदूर लगाते हैं, वो सिंदूर आपको थोड़ा सा लेकर आना है और वो सिंदूर आपके मुख्य द्वार के ऊपर आपको लगाना है। अगर ये आपका मुख्य द्वार है तो ऐसे ऊपर आप टीके लगा दीजिए सिंदूर के की। इस प्रकार से आपको 11 शनिवार ये करना है, ये सिंदूर लगाकर आपको लगाना है। आप खुद भी लगाइए, घर में जो भी जेंट्स है, आपका बच्चा है, आपका भाई है, उन सबको आप टीका लगाइए हनुमान जी के सिंदूर का। पश्चिम दीवार पर ये जो दीवार है इसको आपको थोड़ा सा हाइटेड रखना है इस ईस्ट की दीवार से। पश्चिम और दक्षिण ये दोनों दीवारों की हाइट उत्तर और पूर्व की दीवार से हमेशा ज्यादा होना बहुत जरूरी है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आपके दरवाजे की हाइट, ये दीवार की हाइट जो है उत्तर और पूर्व में कम रखनी है और पश्चिम और दक्षिण में हमेशा ज्यादा रखनी है। पश्चिम दिशा में आपको एक अशोक का वृक्ष लगाना है। ये वृक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इस वृक्ष के पत्ते, इसकी जो काड़िया होती है वो भी बहुत काम में आती है। अशोक नाम है इस वृक्ष का। वास्तु उपाय करने में इसके पत्ते और इसकी जो गाड़ी आती है ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये पेड़ आपको पश्चिम में लगाना है, घर की पश्चिम दिशा में ये पेड़ आप लगाइए। आपको इसका केयर लेना है, इसको बड़ा करना है, इसका हाइट बहुत बड़ा होता है, इसको सीधा बढ़ने देना है। इसमें दो होते हैं, एक वृक्ष डेढ़ेदार होता है और एक सीधा ऊपर जाता है क्रिसमस ट्री जैसा, तो वैसे ही आपको इस अशोक ट्री को सीधा जाने देना है, उसके बाकी की डालियां निकालनी है। तो ये कुछ उपाय है जो आप घर के घर में कर सकते हो अगर आपके पश्चिम दिशा में ये दोष है। दोष अगर हाइट कम है या फिर यहाँ पर समझिए अग्नि आया है, अग्नि यहाँ पर होना अच्छी बात नहीं है, इस प्रकार के कुछ भी दोष है या ओपन टू स्काई है, कट है, तो आप ये चीजें कीजिए। आपको सबसे पहले यहाँ पर वरुण यंत्र स्थापित करना है शनिवार के दिन। शनिवार को आप शनि मंदिर जाके आइए, शनि दर्शन करके आइए और फिर ये वरुण यंत्र यहाँ पर स्थापित करना है। स्थापित करने से पहले आपको इसको साफ करके लेना है। आपको इसको हाथ में लेकर, आपको एक हाथ में लेना है, उसके ऊपर राइट हैंड रखना है और मन में बोलना है कि ये जो वरुण यंत्र है ये मेरे वास्तु में जो पश्चिम दिशा में दोष है उस दोष का निवारण करने वाला है और मुझे इससे बहुत अच्छे इफेक्ट मिलने वाला है। ये कहकर आपको उस वरुण यंत्र को वहां पर स्थापित करना है, यानी दीवार पर लगा देना है। ये एक रेमेडी है। दूसरी है यहाँ पर आप अशोक का वृक्ष लगाइए, इससे भी आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और पश्चिम दिशा के ये जो कुछ घरेलू उपाय है आप जरूर कीजिए, आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा।
इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिए। मेरे चैनल में वास्तु का एक प्लेलिस्ट है, उसको एक बार जरूर गो थ्रू कीजिए। धन्यवाद।